पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठ के पांच प्राणायाम कम से कम कर लेना। ये सबके लिए जरूरी है। मैं तो कहता हूँ ये तो भारत के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। वैसे भगवान ने मुझे इस काम के लिए निमित्त बनाया। आज भारत के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये नाम जानते हैं और प्राणायाम को करते भी हैं, चाहे थोड़ा करते हों या ज़्यादा करते हों। प्राणायाम का बेसिक एजुकेशन और बेसिक प्रैक्टिस तो शुरू कर दी एक दिन, अरे थोड़ा योग तो शुरू हो गया, पूरे योगी भी बन जाएंगे। शुरुआत तो हुई, 2-4 कदम तो चले, मंजिल भी तय हो जाएगी। ये भस्त्रिका, भस्त्रिका की 3 तरह की स्पीड है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। ये स्लो, ये मीडियम, और जो यंगस्टर्स हैं पूरे हेल्दी हैं और स्पीड से ऐसे। एक मिनट भी कर लेंगे ना तो पूरी एनर्जी आ जाएगी। यह भस्त्रिका, क्या नाम है बोलिए, भस्त्रिका। एस्मा, कफ, एलर्जी, वीकनेस, कुछ नहीं रहेगा। कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सबसे बचाता है। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग जितना ज्यादा करेंगे तो हर सेल के अंदर ऑक्सीजन जब एंटर करता है और ग्लूकोज एंटर करता है तो अंदर बर्न होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर एनर्जी बनती है वहां पर। ये साइकिल है। माइटोकॉन्ड्रिया में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर के जाएंगे उतना ही बर्न हो जाएंगे और शुगर नहीं होगी। मैं 2 लीटर जूस पी लूँ गन्ने का तो भी मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारा बिना शुगर खाए भी शुगर बढ़ा रहता है। क्यों? तुम ऑक्सीजन पूरा नहीं लेते हो। दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजर्नेट हो जाते हैं तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जो कि शुगर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो पेनक्रियाटिक जूस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वो खत्म हो गया तो उसके लिए कपालभाति और मंडूकासन जो बताया था, ये दो। तो ये कपालभाति करो सब, ये सबको करना है। ये 100 बीमारियां नहीं होने देता। जो कपाल भाति करेंगे मातों बहनों को यूट्रस की ओवरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलिसिस्टिक ओवरी, ओवरी में सिस्ट, पेट में कोई भी सिस्ट, लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, लोगों को लंग में, गले में, कहीं पर भी सिस्ट हो जाते, हाथों में, पैरों में, ये सिस्ट को खत्म कर देता कपाल भाति। पॉलिसिस्टिक ओवरीज को ठीक कर देता है। ओवरी में, यूट्रस में कहीं भी सिस्ट होती है ब्रेस्ट में, उस सिस्ट को खत्म कर देता है। पीरियड की प्रॉब्लम खत्म, लेडीज के लिए बहुत जरूरी। लेडीज को कोई पीरियड की प्रॉब्लम नहीं होगी कपाल भाति करने से। पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई धातु रोग नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। कपाल भाति से आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, पाइल्स फिशर फिस्टुला का प्रॉब्लम खत्म। रात को त्रिफला चूर्ण ले लेना या हरित की चूर्ण, अर्षकल पोटी ले लेना, कपाल भाति करना, आंवला एलोवेरा जूस पीना। जिनको ज़्यादा ही पाइल्स का प्रॉब्लम है तो सुबह कच्चे दूध में, ठंडे दूध में, जो एकदम चिल्ड मिल्क होता है, मिल्क के अंदर एकदम ठंडा होना चाहिए, उसमें नींबू निचोड़ के पी लो, एक नींबू गाय के दूध में, 3 से 7 दिन के अंदर पाइल्स खत्म हो जाती है। छोटी सी बात है, लेमन, बस एक लेमन उसको निचोड़ के पी लो, कपाल भाति करो, पाइल्स फिशर फिस्टुला ठीक हो जाता है। फैटी लीवर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। 50% लोगों को, अब ये देखिए, 50% लोगों को जो बीमारी है ना, जो रोग है, वो मैं बता रहा हूँ क्या है। लीवर का रोग,
फैटी लीवर, लीवर का फंक्शन कम हो रहा है, इंटेस्टाइन का फंक्शन कम हो रहा है, स्प्लीन का फंक्शन कम हो रहा है, लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन का फंक्शन कम होता है तो फैटी लीवर एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये पेट का स्टोमिक डिसऑर्डर्स जिनको बोलते हैं। अगली प्रॉब्लम विटामिन डी, विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन, डिफरेंट प्रकार की डेफिशिएंसी, ये अगली प्रॉब्लम। कपाल भाती करो। लिवामृत एक औषधि आश्रम पतंजलि की, दिव्य लिवामृत, ये पतंजलि का जो लिवामृत है अद्भुत है, लीवर के लिए हमने लाखों लोगों पर प्रयोग किया उसका। जिनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है सुन लो सब, कपाल, ये 50% लोगों को आजकल प्रॉब्लम हो रही है फैटी लीवर की, एसजीएसटी, एसजीपीटी, फिर ब्लूरीबीन, सब गड़बड़ हो जाता है। लिवामृत लेना या बहुत ही ज़्यादा फैटी लीवर और बॉडी में भी बहुत फैट बढ़ गया है तो गोमूत्र अर्क पी लेना। तीसरा फिर पुनर्नवादी मंडूर या सर्वकल्प क्वाथ ले लेना, लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुनर्नवादी मंडूर, सर्वकल्प क्वाथ या लिवामृत या अपने पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र आदि से ले आना। लीवर बहुत बड़ी समस्या है 50% लोगों को, फिर विटामिन की डेफिशिएंसी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन। मेरा 25 ईयर से पहले तो मैं चेक नहीं करवाता था, 25 ईयर से लगभग मैं जब से चेक करवाता हूँ मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, 17.5 जो कि 100% एब्सोल्युटली राइट है। 18 से ज़्यादा भी होता है तो बीमारी होती है, किसी का ज़्यादा होता है तो कपाल भाती से कम भी हो जाता है। बैलेंस, नो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, नो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, नो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, बी 12 और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कोई डेफिशिएंसी नहीं। कपाल भाती, इससे किडनी का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, किडनी में स्टोन, ये बहुत लोगों को होता है। इसके लिए हम सर्व अश्मरीहर क्वाथ और अश्मरीहर रस देते हैं, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, पेनक्रियास, बीटा सेल्स डिजेनरेट होने से डायबिटीज, हाथों के सेल डिजेनरेट होने से कोलाइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स विसर फिस्टुला, खत्म। 50% लोगों को प्रॉब्लम है ओबिसिटी शहर में, कपाल भाती से खत्म। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाँ, कोलेस्ट्रॉल, खत्म। सोरेकाई का जूस पीना, सोरेकाई, वाटर गॉड, दूधी, लौकी, जूस पीना, कपाल भाती करना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम खत्म, ओबेसिटी की प्रॉब्लम खत्म, हाइपरटेंशन खत्म, कपाल भाती और अनुलोम विलोम। हाइपरटेंशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शहरों में, अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, इंसोमनिया, स्ट्रेस, ये 50% से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। माइग्रेन पेन, एपिलेप्सी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, न्यूरो प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम 50% से ज्यादा लोगों को हो गई। कपाल भाती एंड अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग करते हैं, सब करो मेरे साथ एक बार, लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर, Thank you.
सबको अनुलोम विलोम करना है, सब बच्चे करेंगे, आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा। हमारा सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ब्रेन। ट्रिलियन सेल्स हमारे ब्रेन के एक्टिवेट हो जाते हैं थ्रू अनुलोम विलोम प्रैक्टिस। सब करो, सब बच्चे करेंगे, बड़े करेंगे, ये ब्रेन के लिए, स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ये हैप्पीनेस के लिए, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो ये अनुलोम विलोम, और फिर इसके बाद देखो तीन प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब भ्रामरी और उद्गीत अपने आप ध्यान हो जाएगा। देखो पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, ओंकार ध्यान, स्ट्रेस गायब, बीपी, शुगर सब कुछ ठीक, नींद अच्छी आएगी, थॉट्स अच्छे रहेंगे, दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्वृत्ति, दुष्प्रवृत्ति, दुराचार, दुर्व्यवहार से मुक्ति मिलेगी। यही तो हमारी समस्याएं हैं, रोग, ये तो एक समस्या है, दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्वृत्तियां, दुष्चरित्र, दुर्व्यवहार, इस सबसे मुक्त हो जाएंगे। ओंकार ध्यान से पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख बंद, ऐसे नाद करना है तीन बार कम से कम। आज स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, ऐसे 3-5-7 टाइम्स कर लेना। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओंकार का उच्चारण करेंगे, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वाहेगुरु, अकाल पुरुष, परमात्मा, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, ओंकार ब्रह्म का ध्यान, ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास भर के, ओंकार ध्यान, ओ ऐसे 3-5-7 बार, 3-4-5-7-11 टाइम्स आप ओंकार का उच्चारण करना, फिर शांत हो जाना, कंप्लीट साइलेंस, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और ओम। ओ माय ऑलमाइटी गॉड, यू हैव गिवन मी ब्रेथ एंड यू हैव गिवन मी लाइफ, आई बाउ डाउन इन वर्शिप टू यू, आई एम एग्जिस्टिंग टुडे बिकॉज ऑफ यू, यू आर द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ माय।
भगवान की शरणागति, गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी। भगवान की शरण में ऐसे सहज हो जाना, शांत प्रभु तेरी शरण, भगवान आपकी शरण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यदंगदास्य तुमग्निभद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिर। प्रभु आपकी शरण। ऐसे ओंकार का ध्यान करना, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, श्वासों के साथ ऐसे ओंकार ध्यान करने से मन एकदम शांत हो जाता है। आज आपको ये योग का बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस है, योग बेसिकली प्रैक्टिस की चीज़ है। बस ये प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर देंगे, आप देखना आपकी लाइफ में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा।